Hey everyone, what's up? Come back to my channel. Hope you all are safe and doing great. So today I'm going to share with you this beautiful, neutral, simple, easy peasy makeup look, and this is perfect for summer. आप easily birthday party या फिर कोई भी occasion पे carry कर सकते हो. And you know guys, office के लिए भी अगर आपको ready होना है तो आप easily इस makeup look को carry करके जा सकते हो. मैं step by step बताऊंगी कैसे आप इस makeup look को create कर सकते हो. अगर आपको जानना है how I created this makeup look, so please keep on watching. And guys, before starting, if you are new here, so please subscribe to my channel if you like my content. So chalo start karte hain aaj ke video. So without further ado, let's get started. Okay, so guys, first of all, मैं यहाँ पर face को अच्छे से wash करके clean कर लिया था. Then मैं CTM routine follow कर लिया था. It's maintaining and moisturizing. काफी ज़्यादा important है. तो हमेशा makeup start करने से पहले आप CTM routine ज़रूर follow करना. उसके बाद मैं आज start करने वाली हूँ primer से. तो मैं यहाँ पर use करूँगी NY Bay primer. तो इसको मैं लेके ना मेरे टी जोन एरिया पे फोकस करते हुए अप्लाई करूंगी, जहां पर ओपन पोर्स की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है टी जोन एरिया पे. ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट जेल बेस्ड प्राइमर है, तो परफेक्ट है ऑयली स्किन के लिए. एंड अगर आप ड्राई स्किन है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो. एंड ये अच्छे से ओपन जो पोर्स है उसको मिनिमाइज कर दे रही थी. मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी वाली प्राइमर, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. इतना ज़्यादा लाइट वेट वाली प्राइमर है ना, क्या ही बात हो. आप ज़रूर इसको ट्राई करके देखना. देन मैं यहाँ पर कंसीलर यूज़ करूँगी. दिस इज़ NY Bay कंसीलर. एंड आप चाहो तो कोई भी लाइट वेट वाली बीबी क्रीम या फिर सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हो लाइट मेकअप करने के लिए, ठीक है. तो मैं यहाँ पर कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं करूँगी. कंसीलर को लेके मेरी आईज़ की आईलिड एंड इनर कॉर्नर्स एंड जो जहाँ पर थोड़ी बहुत डार्क स्पॉट्स है एंड ब्रिज ऑफ द नोज फोरहेड्स माउथ के आसपास थोड़ा सा अप्लाई करने के बाद एक ब्रश की मदद से मैं अच्छे से ना इसको ब्लेंड करूँगी. एंड मेरी नेक एरिया और जो ईयर एरिया है वहाँ पर भी मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी, ताकि कोई भी ना मतलब डार्क नहीं नज़र आए, अलग नहीं लगे मेरी फेस और नेक. तो आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो इसको ब्लेंड करने के लिए. अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर लिया था एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फिनिशिंग थी और मुझे ना एक ना मतलब प्रेजेंटेबल लुक मिल गई थी. आप देख सकते हो यहाँ पर जितनी स्पॉट थी वो हाइड हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल फिनिशिंग थी इसके. तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मेरी प्राइमर, सॉरी कंसीलर. अगेन बजट में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. उसके बाद मैं यहाँ पर कंसीलर को सेट करूँगी ताकि क्रेस ना हो जाए. सो यहाँ पर मैं लैक्मे की एक लूज पाउडर यूज़ करूँगी. आप चाहो तो कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो. सेम ब्रश में थोड़ा करके लेके ना मैं पूरी मेकअप को मतलब पूरी कंसीलर को फेस को सेट करी यहाँ पर. अच्छे से लाइटली बस सेट करना है. मैं पूरी बेस मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ इनसाइड की मेकअप फिक्सर, ताकि मेरी जो बेस मेकअप है लॉन्ग लास्टिंग हो जाए. एंड पूरी स्किन के ऊपर एब्जॉर्ब होने के लिए मैं छोड़ दूंगी. उसके बाद मैं करूँगी आईब्रोज को फिलिंग. सो दिस इज स्विस ब्यूटी आईब्रोज पेंसिल एंड 60 to 70 रुपीज़ में आपको अच्छा खासा एक पेंसिल मिल जाती है. इसकी जो फिनिशिंग है और इसकी जो पिगमेंटेशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छी, आपको नेचुरल लुक ये प्रोवाइड करती है. इसके साथ आपको ना एक कोम भी मिल जाती है. तो फिल करने के बाद मैं फिर से एक बार कोम कर रही हूँ. उसके बाद मैं कॉन्टूरिंग करने वाली हूँ. दिस इज वेट एंड वाइल्ड कॉन्टूरिंग पैलेट. तो इसको मैं एक एंगुलर ब्रश में लेके कॉन्टूर एरिया पे कॉन्टूरिंग करने वाली हूँ, जैसे कि चिक बोन्स फोरहेड्स नोज को मैं अच्छे से कॉन्टूर करूँगी. ये जो पैलेट है ना अमेजिंग है गाइस, आपको नेचुरल सा फिनिशिंग ये प्रोवाइड करती है. आप देख सकते हो मेरी जो फेस है काफ़ी ज़्यादा अभी ना मतलब कॉन्टूरिंग करने के बाद थोड़ा सा फ्लैट, अभी फ्लैट नहीं लग रही थी. कॉन्टूरिंग जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फाउंडेशन ये सब करने के बाद. तो आप सर इसको ट्राई करके देख सकते हो. ये वाली कॉन्टूरिंग पैलेट मस्ट ट्राई दिस प्रोडक्ट. उसके बाद ब्लश के लिए आई एम यूजिंग दिस NY Bay ब्लश. इसको मैं मेरी एपल ऑफ द चीक्स पे अप्लाई करूँगी एंड नोज पे. एंड ओ माई गॉड गाइज, दिस इज सुपर, मतलब इतना सुंदर सा फिनिशिंग है इसकी. पिगमेंटेशन कह लो, कुछ भी कह लो, इसकी जो फिनिशिंग आप देख सकती हो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नेचुरल से फिनिशिंग है. ऐसे लग रही दिख के कि ये मतलब ये नेचुरल फेस है मेरी एंड अंदर से ये ना ब्लश कर रही है. सो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. बहुत सारी शेड्स आपको मिल जाएगी ऑनलाइन पे. देन वाइट वेट एंड वाइल्ड की आई शेडो पैट में से ये शिमारी मैट शेड है. इसको मैं फिंगर में लेके ना आई लिड पे अप्लाई करूँगी एंड थोड़ा सा स्मच करूँगी ताकि अच्छे से ब्लेंड लगे सब कुछ. एंड आज मैं
सिर्फ और सिर्फ ये कलर को ही यूज़ करूँगी और कुछ भी नहीं। उसके बाद ब्लू हेवन या पर ना लाइनर पेन लाइनर जो है होती है ना उसको मैं यूज़ करूँगी एंड एक सिंपली लाइनर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ एंड काफ़ी ईजी हो जाती है पेन लाइनर यूज़ करने से। देन मैं यहाँ पर लैशेस को कर्ल कर लूँगी। सो दिस इज़ वेगा आई लैश कर्लर। मस्कारा के लिए आई एम यूजिंग दिस मेबलिन मस्कारा। दिस इज़ परफेक्ट मस्कारा, वाटर प्रूफ मस्कारा है। अच्छे से 2 से 3 कोट अप्लाई कर लूँगी अपर एंड लोअर वाटर लैशेस को। उसके बाद हाइलाइटर के लिए आई एम यूजिंग दिस मार्स हाइलाइटर। में जो हाइस्ट पॉइंट है जैसे कि चीक बोन्स, फोरहेड्स, बीच ऑफ द नोज, इनर कॉर्नर्स, ब्राउ बोन, क्यूपिड्स बो को मैं अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। एंड गाइस ओ माय गॉड दिस हाईलाइटर इट्स डैम सुपर ग्लोई एंड इतना ज़्यादा फिनिशिंग अच्छी है ना, जैसे बटर की तरह से ये स्मज हो जाती है पूरी स्किन के ऊपर। आप खुद ही ऊपर देख सकते हो। इसकी जो प्राइस है ओनली 99 रुपीज। ओ माय गॉड इसकी जो फिनिशिंग है मुझे इतना ज़्यादा अच्छी लगती है ना, मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं बस लगाती जाऊँ उसको अप्लाई करती ही जाओ, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है हाइलाइटर। एंड उसके बाद फिर से सेम फिक्सर को यहाँ पर यूज़ करूँगी पूरी मेकअप को सेट करने के लिए। लिपस्टिक के लिए आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी लिक्विड मैट न्यूट लिपस्टिक। काफ़ी सुंदर सा ब्राउनिश शेड है इसमें और मुझे इतना ज़्यादा अच्छी लगती है न्यूट शेड। तो सो या गाइस दिस इज माय फाइनल लुक एंड काफ़ी सिंपल ईजी रखा हेयर स्टाइल को। कोई भी ईयर रिंग्स एक्सेसरीज मैंने कोई भी वेयर नहीं किया, फिर भी जो ये वाली मेकअप लुक है देख सकते हो कितना अच्छी लग रही है, सुपर ग्लोई सा लग रही थी एंड समर के लिए ना बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट ही वाली मेकअप लुक कह सकते हो। मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे वीडियोस और भी देखने के लिए। आप चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सो सबकी लिंक्स डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।